म माता च पिता त्वमेव तो तमे तो बंधु सखा तोमेव त्वमेव तो विद्या दविण त्वमेव तो त्वमेव तो सर्व मम देव देव प्रणाम हेलो किड्स हाउ आर यू ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर फाइव एयर मींस हवा तो आज हम किसके बारे में रीड करेंगे किसके बारे में लर्न करेंगे एयर के बारे में हवा के बारे में देखो आपको यहाँ पर स्मॉल एक सी एक्सरसाइज दी हुई है इसको हमें सोल्व करना है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे डू यू रिमेंबर सर्कल द एक्टिविटीज यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज दी हुई है उनको आपको सर्कल करना है सर्कल द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एयर ऐसी एक्टिविटीज जो किसके द्वारा एयर की हेल्प से परफॉर्म की जाती है एयर की हेल्प से वो की जाती है उस पर हमको क्या करना है सर्कल करना है सी द फर्स्ट पिक्चर देखो फर्स्ट पिक्चर किसकी है यस सेल बॉट तो सेल बोर्ड जो होती है ना वो एयर के हेल्प से ही चलती है इसमें जो ये सेल है ना आपको ये क्लॉथ दिख रहे हैं दो ये पर्दे पर्दे जैसे हैं इनको हम सेल बोलते हैं तो ये किसकी हेल्प से चलते हैं एयर की हेल्प से चलते हैं ना तो इस पर आपको सर्कल बनाना है नाउ सी द सेकेंड पिक्चर देखो इसमें एक बॉय काइट उड़ा रहा है तो काइट उड़ाने के लिए किसकी हेल्प चाहिए हमको एयर की हेल्प से उड़ती है ना अगर हवा नहीं होगी तो हमारी जो काइट है वो भी नहीं उड़ेगी इसलिए काइट को उड़ने के लिए एयर की जरूरत होती है एयर की हेल्प से ही काइट उड़ती है वैसे भी अभी काइट फेस्टिवल आने वाला है ना फोर्टीन जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं ना उत्तरायण तो उस दिन हम क्या करते हैं काइट उड़ाते हैं सब तो काइट किसकी हेल्प से उड़ती है एयर के हेल्प से तो इस पर भी आपको सर्कल बनाना है सी द थर्ड पिक्चर देखो यहाँ पर एक बॉय पानी पी रहा है तो पानी पीने के लिए एयर की जरूरत नहीं होती है तो इस पर आपको सर्कल नहीं बनाना है सी द फोर्थ पिक्चर अब देखो यहाँ पे एक साइकिल की पिक्चर दी हुई है साइकिल की जो ट्यूब्स होती है ना जो इसके व्हील्स के अंदर इसके पहियों के अंदर एक ट्यूब लगी होती है उसमें एयर भरते हैं जिससे हमारी साइकिल चलती है तो साइकिल में एयर होती है एयर की हेल्प से जो ट्यूब होती है ना इसके अंदर उसके अंदर एयर भरते हैं से साइकिल चलती है तो इस पर भी आपको सर्कल बनाना है ये फिफ्थ नंबर की जो पिक्चर है ना फिफ्थ वाली इसमें बॉय एंड गर्ल स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने के लिए तो एयर की जरूरत नहीं होती तो इस पर आपको सर्कल नहीं करना है एंड सी द लास्ट पिक्चर इसमें क्या हो रहा है इसमें गर्ल क्या कर रही है बैलून बैलून फुला रही है ना इसके अंदर एयर भर रही है तो अगर इसके अंदर एयर नहीं होगी तो फूलेगा ही नहीं तो इसके अंदर क्या करिए एयर भर रही है जिससे बैलून की शेप में साइज में चेंज हो रहा है ना तो इसमें इस भी हमको एयर की जरूरत पड़ी तो इस पर भी आपको सर्कल करना है ओके किड्स एयर इज ऑल अराउंड अस एयर हमारे चारों तरफ होती है हमारे आसपास होती है इट हैज़ नो कलर इसमें कलर नहीं होता इसका स्मेल भी नहीं होती और टेस्ट इसमें टेस्ट भी नहीं होता तो एयर में क्या क्या नहीं होता है इसमें कलर भी नहीं होता स्मेल भी नहीं हो होती है और टेस्ट भी नहीं होता इसके अंदर इट कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली बी फैट इसको हम देख नहीं सकते देखो अभी हमारे चारों तरफ एयर होती है पर हमको दिखती नहीं है ना बट कैन ओनली बी फैट बट हम इसको फील कर सकते हैं महसूस करते जब हवा चलती है तो हमको पता चलता है ना कि हवा चल रही है हम उसको देख तो नहीं सकते बट हमें पता चलता है महसूस होता है फील होता है ना तो एयर को हम फील कर सकते हैं इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ एयर हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है वी नीड एयर फॉर ब्रीथिंग हमें सांस लेने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है ना ब्रीथ करते हैं ना, हम सांस लेते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एयर की जरूरत पड़ती है फिर उसको हम बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ब्रीथिंग तो सांस लेने के लिए हमें एयर की जरूरत होती है अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे ना इसलिए एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है वॉट डज एयर कंटेंट अब देखो एयर के अंदर क्या क्या होता है एट होम यू मस्ट हैव सीन दैट क्लो कैप्ड अंडर द सन घर पे आप देखते हो ना जो कपड़े वगैरह होते हैं वो जब हम जब सूरज की रोशनी होती है तो हम उसमें कपड़े सुखाते हैं तो हम देखते हैं ना कुछ समय बाद वो कपड़े सूख जाते हैं एट होम यू मस्ट हैव सीन दैट क्लोथ्स कैप्ट अंडर द सन बिकम्स ड्राई आफ्टर टाइम्स कुछ समय बाद वो कपड़े सूख जाते हैं द वाटर प्रजेंट इन द क्लॉस इज चेंज इन टू वाटर वेपर जो कपड़ों के अंदर जो पानी था ना क्लोथ्स के अंदर जो पानी था वो कहाँ गया वो किस में चेंज हो गया वाटर वेपर में जो जल वाष्प होती है ना हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जल वाश्प इंग्लिश में क्या बोलेंगे वाटर वेपर। जो उसके कपड़ों के कपड़ों के अंदर जो पानी था ना क्लोथ्स के अंदर वो किस में चेंज हो गया वाटर वेपर में किसके द्वारा बाय द हीट ऑफ द सन जो सन की जो हीट निकलती है ना गर्मी निकलती है सन की हीट होती है उसके अंदर गर्मी उष्मा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जो सन की हीट निकलती है उससे जो एयर वाटर में जो वो क्लोथ में जो पानी होता है ना वो किस में चेंज हो जाता है वाटर वेपर में वो चेंज हो जाता है दिस वाटर वेपर मिक्सड विद द एयर जो ये वाटर वेपर होती है ना ये एयर में मिक्स हो जाती है दस एयर ऑलवेज हैज वाटर वेपर इन इट इसलिए एयर में हवा में हमेशा क्या होती है वाटर वेपर होती है जल वाष्प होती है इसके अंदर वी शुड ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी हमें हेल्दी रहने के लिए क्लीन और फ्रेश एयर में ही सांस लेना चाहिए हमारे अभी जैसे पोल्यूशन बहुत तो हो रहा है जैसे दिल्ली वगैरह का बताते हैं ना टी में कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे क्लीन और फ्रेश एयर नहीं मिल रही है तो ब्रीथ से रिलेटेड जो डिजीज होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे जैसे अस्थमा है ये सब ज़्यादा होती है दिल्ली में तो हमें कैसी एयर में ही, कैसी एयर चाहिए हमको सांस लेने के लिए क्लीन और फ्रेश एयर हमको चाहिए प्ला, प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन प्लांट्स क्या करते हैं एयर को फ्रेश रखते हैं क्लीन रखते हैं इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए दैट इज़ वाई वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को मतलब जो पौधे वगैरह होते हैं ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है एयर बिकम्स डर्टी बाय स्मोक एंड डस्ट गिवन ऑफ बाय व्हीकल्स फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एयर किससे गंदी होती है किससे डर्टी होती है जो धुआँ वगैरह निकलता है न स्मोक मतलब धुआँ एंड डस्ट धूल जो धुआँ है धूल है किससे जो व्हीकल्स वगैरह चलते हैं तो उससे भी धुआँ निकलता है और जो फैक्ट्री वगैरह होती है ना उनसे भी धुआँ निकलता है तो ये सब किस में जाके मिल जाते हैं एयर में तो जो एयर है ना वो डर्टी हो जाती है गंदी हो जाती है इफ वी ब्रीथ इन दिस एयर वी कैन फॉल सिक अगर हम ऐसी एयर में ब्रीथ करेंगे सांस लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे बीमार हो सकते हैं इफ़ वी ब्रीथ दिस एयर अगर हम इस एयर में सांस लेंगे वी कैन फॉल सिक तो हम बीमार हो सकते हैं देखो यहां पर पिक्चर दी हुई है जब हम कपड़ों को सुखाते हैं ना तो इसको सुखाने में हेल्प कौन करता है हमारी एयर जब एयर चलती हवा चलती है तो कपड़े आराम से सुख जाते हैं ना एयर कंटेंस ऑक्सीजन विच इज यूज फॉर ब्रीथिंग बाय लिविंग बीन्स लिविंग बीन्स मतलब लिविंग बीन्स मतलब क्या होता है जो सजीव प्राणी है जैसे हम हैं जैसे इंसान है एनिमल्स है प्लांट्स है हमको ऑक्सीजन चाहिए ना तो एयर में क्या होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं ओटू बोलते हैं ना इसका फॉर्मूला है ओटू तो ऑक्सीजन किस में होती है एयर में होती है एयर कंट एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है जो हम ब्रीथिंग में यूज करते हैं लिविंग जो लिविंग बींग्स में, में हम मतलब कौन कौन आता है एनिमल्स आते हैं ह्यूमन बींग्स आते हैं बर्ड्स वगैरह सब प्लांट्स है ये सब लिविंग बींग्स में आते हैं नाउ टाइम टू आंसर चूज द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस अब हमको इसमें करेक्ट वर्ड चूज करना है हर एक सेंटेंस में एयर कंटेंस डस्ट फ्लावर्स इन इट एयर के अंदर क्या होता है फ्लावर्स होते हैं नो no, क्या होती है डस्ट तो आपको क्या टिक करना है डस्ट सेकेंड वी शुड ब्रीथ डर्टी ऑब्लिक फ्रेश एयर हमें किस में सांस लेना चाहिए डर्टी एयर में कि फ्रेश एयर में यस आंसर इज फ्रेश तो आप किस पर टिक करोगे फ्रेश पर थर्ड स्मोक ऑब्लिक ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम व्हीकल व्हीकल के अंदर से धुआं निकलता है कि ऑक्सीजन निकलती है क्या निकलता है व्हीकल से धुआं निकलता है ना जिससे पॉल्यूशन होता है तो आप किस पे टिक करोगे स्मोक मीन्स धुआं स्मोक पर आपको टिक करना है नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एयर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है क्या क्या इसके गुण होते हैं क्या क्या होता है एयर में फर्स्ट वन एयर फिल्स स्पेस एयर जो होती है वो जो स्पेस होता है ना उसको फिल करके रखती है उसमें पूरी एयर भरी होती है एयर हैज़ वेट एयर का वेट भी होता है जैसे आप जैसे कुछ बलून है अब उसमें आप हवा भर दोगे फुटबॉल है उसमें आप हवा भर दोगे तो उसमें थोड़ा वेट हो जाता है एयर हैज़ वेट थर्ड वन वैन फील इन फ्लैट एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स एयर गिवस देम शेप जैसे कुछ भी फ्लैट ऑब्जेक्ट है जैसे ये गर्ल है इसके पास क्या है एयर ट्यूब है अब देखो ये कैसी है फिर जब इसमें एयर भर देंगे तो इसका शेप बन जाएगा ना सर्कल शेप की हो जाएगी ये जैसे बलून है बलून पहले कैसा होता है एकदम फ्लैट होता है फिर जब हम उसको उसमें एयर भर देते हैं तो फिर उसकी शेप चेंज हो जाती है ना एयर हेल्प इन बर्निंग एयर जलने में भी हेल्प करती है एयर हेल्प इन मूविंग थिंग्स सच ए सेल बोट एंड काइट एयर किस में हेल्प करती है मूव करने में चलने में जैसे सेल बोट होती है तो उसमें भी एयर हेल्प करती है काइट काइट हम उड़ाते हैं तो उसमें भी एयर हेल्प करती है लुक एट द टू ट्यूब्स इन द गर्ल्स हैंड अब देखो यहाँ पर एक गर्ल्स की पिक्चर दी हुई है इसके दोनों हैंड्स में ट्यूब है कैन यू नोटिस द डिफ्रेंस बिटवीन द टू ट्यूब्स आपने देखो इसमें कुछ नोटिस किया है ये दोनों दो ट्यूब है इसके पास टू ट्यूब्स है दोनों हैंड्स में इसमें आपने कुछ नोटिस किया है कुछ लग रहा है आपको अलग सा दोनों ट्यूब में कुछ है ना डिफरेंस देखो ये वाली ट्यूब कैसी है है बिल्कुल इसका कोई शेप ही नहीं है ढंग से ये वाली ट्यूब देखो सर्कल शेप की आपको दिख रही है क्यों क्योंकि इसके अंदर क्या है एयर है वन ऑफ़ द ट्यूब इज फ्लैट फर्स्ट वाली क्या flat है फ्लैट है विद नो एयर इसके अंदर एयर नहीं है वाइल फिल्ड इन इट जबकि दूसरे के अंदर फिल है ना देखो यहां पर इस वाली पिक्चर में दूसरी वाली के अंदर तो फिल है और फर्स्ट वाली के अंदर एयर नहीं है द ट्यूब कंटेनिंग एयर इज़ बिगर इन साइज जिसके अंदर एयर है ना, जिस ट्यूब के अंदर एयर है ये सेकेंड वाली जो सर्कल शेप की हमको दिख रही है ये आपको बड़ी लग रही है ना साइज़ में क्यों क्योंकि इसके अंदर एयर है एयर ने उसको साइज दे दिया है इट इज़ हैवियर देन वन विथ नो एयर ये किससे भारी है जिसके पहली वाली से जिसमें एयर नहीं है उससे ये भारी है जिसमें एयर है तो इन दोनों में से भारी कौन है जिस जो सर्कल शेप की आप दिख रही है ना वो भारी है क्यों क्योंकि उसके अंदर एयर है और पहले वाली के अंदर तो एयर है ही नहीं इट हैज अ राउंड शेप अब ये कैसी हो गई राउंड शेप की गोलाकार दिस शोज दैट एयर फिल्स अप एम्टीप्लेस स्पेस एंड हैच वेट ये क्या प्रूव करता है ये क्या शो करता है हमको कि जो खाली जगह जो होती है ना वो किसके द्वारा भर जाती है एयर के द्वारा भर जाती है और एयर का वेट होता है लेटस्ट टू अब हमको इसमें क्या करना है टिक द ऑब्जेक्ट विद एयर इन अब जिस पिक्चर में आपको उसके अंदर एयर होती है ना उसको आपको टिक करना है देखो फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट पिक्चर के अंदर एयर नहीं है क्योंकि है सिंपल बलून है सेकंड पिक्चर देखो इसके अंदर बलून है ना अब इसको फुला दिया गया तो इसकी शेप और साइज दोनों चेंज हो गई तो इसके अंदर क्या है एयर तो सेकंड वाली पिक्चर पर आपको टिक करना है द थर्ड पिक्चर फुटबॉल की बॉल की पिक्चर है ना ये तो इसके अंदर भी क्या होती है एयर होती है तो इस पर भी आपको टिक करना है थर्ड काइट काइट के अंदर एयर नहीं है इसके अंदर एयर नहीं है ये एयर के हेल्प से उड़ती है बट इसके अंदर एयर नहीं है तो इस पर आपको टिक नहीं करना है एंड सी द लास्ट पिक्चर यह बलून है ना ऊपर उड़ता है तो इसके अंदर हॉट एयर होती है एयर होती है इसी से तो ये ऊपर उड़ता है तो इस पर भी आपको टिक करना है ओके किड्स नाउ टाइम टू आंसर स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोविंग स्टेटमेंट आपको इसमें ट्रू और फॉल्स करना है अगर स्टेटमेंट राइट right है तो आप ट्रू लिखोगे रॉन्ग है तो आपको फॉल्स लिखना है फर्स्ट वन एयर कैन बी सीन एयर को हम देख सकते हैं क्या नो no, हम एयर को नहीं देख सकते बट हम उसको फील कर सकते देख नहीं सकते ना तो इस पर आपको क्या लिखना है फॉल्स लिखना है सेकेंड एयर हेल्प इन बर्निंग यस एयर जलने में हेल्प करती है तो इसमें आपको ट्रू लिखना है थर्ड वी नीड एयर फॉर ब्रीथिंग सांस लेने में एयर की जरूरत होती है ना ब्रीथिंग करने में तो आपको इसमें क्या करना है ट्रू फोर्थ एयर हैज़ नो वेट एयर में तो वेट होता है तो हमने देखा था वो उस गर्ल के हाथ में दो वो थी ना ट्यूब एक में एयर नहीं थी दूसरी में एयर थी तो दूसरी वाली ट्यूब भारी थी ना तो एयर में वेट होता है तो इसमें आपको फॉल्स करना है लास्ट वन फिफ्थ एयर हैज नो कलर स्मेल और टेस्ट एयर में आ, कलर नहीं होता इसका कोई टेस्ट नहीं होता इसमें स्मेल भी नहीं होती दैट इज राइट तो इसमें आपको क्या करना है ट्रू नाउ मूविंग एयर मूविंग एयर मतलब जब हवा चलती तो हमको पता चलता है ना मूव करती है वो वी कैन फील द इट इट्स इट मूव्स जब हवा चलती तो हमको पता चलता है ना कि हवा चल रही है मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड जब हवा चलती तो हम उसको क्या बोलते हैं विंड हम बोलते हैं ना हवा चल रही है आज वेन द विंड ब्लोस जेंटली जब हवा धीरे धीरे चलती है इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज़ इसको क्या बोलते हैं हम ब्रीज जब गर्मी के टाइम में हमको गर्मी लगती है हम बाहर बैठ जाते हैं ना तो ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं ब्रीज़ वी इन्जॉय अ कूल ब्रीज इन समर समर सीजन में हम इंजॉय करते हैं ना ठंडी ठंडी हवा आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है अ विंड दैट ब्लोज वेरी फास्ट जब बहुत स्ट्रोंग विंड होती है मजबूत जो हम उसको बोलते हैं विंड को वो बहुत फास्ट चलती है विथ थंडर थंडर मतलब गरजना जब बादल गरजते उस उस तरह से होता है ना गरजती हुई आवाज़ करती हुई लाइटनिंग जब बिजली कड़कती है और एंड रेन जब बारिश होती है इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रोम इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रॉम तूफान इसको क्या बोलते हैं तूफान जब विंड क्या होती है बहुत तेज़ चलती है बहुत तेज़ चलती है और गड़गड़ाती है उसकी आवाज़ आती है बहुत तेज़ जब बहुत तेज़ जब हवा चलती है तो हमको आवाज़ आती है ना और लाइटनिंग भी होती है बिजली भी कड़कती है बारिश भी आती है तो तब हम उसको क्या बोलते हैं तूफान स्टोर इट ब्लोज थिंग्स अवे एंड कैन कॉज डेमेज टू ट्रीज एंड हाउस ये बहुत तेजी से चलती है और जो जो भी चीज़ें वगैरह होती है ना उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है और जो घर वगैरह होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं पेड़ वगैरह होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं उखड़ते हैं ना हम देखते हैं बहुत सी बार टीवी में भी दिखाते हैं कि तूफान जब आता है तो जैसे जो समुद्री जो एरिया होते हैं उनमें जैसे तूफान वगैरह आता है जैसे अभी थोड़े टाइम पहले बंगाल में आया था तो उससे क्या होता है जैसे ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो उखड़ जाते हैं हाउस वगैरह में भी डैमेज हो जाते हैं हाउस वगैरह भी उनको भी नुकसान होता है ना स्टोम कैन बी वेरी हार्मफुल जो स्टोम आते हैं ना तूफान वगैरह ये बहुत हार्मफुल होते हैं ये बहुत नुकसान हो जाता है इनसे अ वेरी स्ट्रोंग विंड इज कॉल्ड गैल गैल मतलब आंधी जब बहुत तेज हवा चलती है ना स्ट्रोंग जो ये स्ट्रोंग विंड होती है ना जो चलती है बहुत तेज हवा चलती आवाज़ करती हुई जो हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं आंधी गैल स्टॉम किसको बोलेंगे जब बहुत तेज हवा चलती है बट उसके साथ आवाज़ भी होती है बिजली भी चमकती है बारिश भी होती है तब तो हम उसको क्या बोलेंगे स्टॉर्म मतलब तूफान और जो स्ट्रॉन्ग एयर होती है जब सिर्फ हवाएं चलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे गैल जी एल ई गैल मतलब आंधी एनर्जी ऑबटेन फ्रॉम मूविंग एयर कैन बी यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी जो एयर uh, होती है ना उससे हम उसका हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हम देखते हैं ना बहुत सी जगह अभी जैसे अभी हम कहीं भी जाते हैं जैसे हम राजकोट ही जाते हैं तो बीच में हम देखते हैं ना वाइंड विंड मिल लगी होती है तो जैसे वो घूमती है ना जहाँ हवा चलती है तो वो विंड मिल घूमती है तो उससे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी बनती है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है उससे तो उसमें भी एयर का यूज़ होता है ना नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर देखो ब्रीज किसको बोलेंगे गर्मी में हम जैसे पार्क वगैरह में जाके बैठते हैं वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे बैठते हैं हम तो ठंडी ठंडी हवा चलती है जो हमको अच्छी लगती है तो उसको हम क्या बोलेंगे ब्रीज अब देखो इस्टोम क्या होता है बहुत तेज हवा चलती है जिसमें पेड़ वगैरह सब उखड़ जाते हैं घर वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं एक बारिश भी होती है बिजली भी कड़कती है बहुत तेज से आवाज़ होती है गड़गड़ -गड़ हमको सुनाई देती है तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टॉर्म और गेल किसको बोलेंगे जब तेज हवा चलती है देखो यहाँ पर हमको ट्रीज वगैरह भी दिख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे आंधी गेल अब एयर के क्या क्या यूज़ होते हैं विंड के यूजेस ऑफ विंड्स हवा के क्या क्या यूज़ है विंड्स हेल्प अस इन मैनी वेज जो एयर होती है ना विंड होती है ना इस ये इसके हमारे हमें बहुत सारे यूजेस हैं ये पिक्चर में हमको ये देखो साइड में आपको पिक्चर दी हुई है ना इसमें शोज किए दिखाए गए हैं विंड्स हेल्प्स विंड्स हेल्प अस इन मैनी वेज ए शोन इन पिक्चर्स गिवन अलोंग साइड इसके साथ जो साइड में जो पिक्चर दी हुई है ना इसमें देखो फर्स्ट पिक्चर सेल बोड की है इट हेल्प्स बोर्ड टू सेल ये सेल को चलने में हेल्प करती है सेकेंड पिक्चर इट हेल्प्स काइट टू फ्लाई ये काइट्स वगैरह उड़ाने में भी हेल्प करती है थर्ड वन इट हेल्प टू ट्राई क्लोथ कपड़े सुखाने में भी हेल्प करती है ना इट हेल्प्स इन फ्लाइंग द वेदर बलून जो वेदर बलून होता है ना जो उड़ता है ना किसके हेद से उड़ता है वो एयर के हेथ से उड़ता है देखो यहाँ पे विंड मिल की भी पिक्चर दी हुई है आपको जो विंड मिल के जो ब्लैंड होते हैं ना थ्री ब्लेंड्स होते हैं इसके अंदर ये किसकी वजह से घूमते हैं जब हवा चलती है ना विंड चलती है ना तो जितनी तेज़ हवा चलती है उतनी तेजी से घूमते और इससे क्या बनती है फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो इसमें भी एयर हेल्प करती है तो ये सब क्या है एयर के यूजेज है विंड के यूजेज है डू यू नो किड्स अ विंड वैन इज यूजफुल इंस्ट्रूमेंट विंड वैन क्या है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे देखो कोक बना हुआ है ना और इस पर देखो जो डायरेक्शन होती है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो ये सब इसमें लिखा होता है ये क्या शो करता है ये जो विंड फ्लो होती है बहती है उसकी डायरेक्शन बताता है अ विंड वैन इज यूजफुल इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना विंड वैन ये विंड की डायरेक्शन बताता है लेटस्ट टू अब देखो आपको इसमें क्या करना है ये तो आपको बहुत पसंद है करना है ना टू ऑब्जेक्ट दैट यूज ए टू वर्क आर शोन बिलो अब देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं दो आपको पिक्चर दी हुई है इसमें देखो शो हो रहा है अभी आप डॉट डॉट मिलाओगे ना तो आपको इसमें पिक्चर शो हो जाएगी उसी पिक्चर का आपको इसमें नाम लिखना है इसमें एयर का यूज होता है टू ऑब्जेक्ट्स दैट यूज एयर टू वर्क आर शोन बिलो जॉइन द डोर्स टू नो वाट दे आर फाइंड दे नेम्स आपको इसके नेम्स फाइंड नेम्स फाइंड करने हैं देखो फर्स्ट पिक्चर आप मिलाओगे तो क्या बन गया क्या बन गया बताओ क्या बनिए पिक्चर क्या बोलेंगे हम इसको हु? मी क्या बोलेंगे हम इसको इसको हम बोलेंगे विंडमेल क्या बोलेंगे इसको? Second picture dot, dot हम इसको विंडमेल सेकेंड पिक्चर देखो डोट डोट हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा सेल बोट क्या बन जाएगा ये सेल बोट ओके नाउ टाइम टू आंसर न वर्ड टू ईच स्टेटमेंट अब हमको एक स्टेटमेंट देना है एक एक के लिए जो ये लाइन दी हुई ना इसके लिए सिर्फ हमको एक वर्ड लिखना है वन वर्ड लिखना है न फर्स्ट वन फर्स्ट देखो आप जेंटल ब्लॉइंग एयर अब जेंटल ब्लॉइंग एयर को हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे हम इसको ब्रीज क्या बोलेंगे हम इसको ब्रीज क्या लिखोगे आप इसमें ब्रीज बी आर डबल ई जैड ई ब्रीज सेकेंड एयर देट ब्लोस वेरी फास्ट विथ थंडर एंड रन हमने पढ़ा था ना जब एयर बहुत फास्ट चलती है किसके साथ थंडर आवाज करती है बहुत तेज और अब बारिश भी होती है बिजली की गड़गड़ाहट होती है बिजली चमकती है आवाज आती है ना हमको और बारिश भी होती है उसके साथ बरसात में होता है ऐसा कब होता है हम देखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टोरम क्या लिखोगे स्टोर मतलब तूफान थर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इसको हम क्या बोलेंगे जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसको क्या बोलते हैं आंधी बोलते हैं ना तो उसके लिए क्या लिखोगे आप गैल G A L E गेल सेकेंड में आपको क्या लिखना था स्टोर्म S T O R M थर्ड में क्या लिखोगे गेल G A L E गेल फोर्थ में मूविंग एयर मूविंग एयर को क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं तो आपको क्या लिखना है विंड W I N D विंड ओके okay? नाउ की टर्म्स अब हमको क्या लर्न करना है क्या 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 वर्ड आए थे इसमें देखो विंड क्या होती है मूविंग एयर जब एयर चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं विंड ब्रीज ब्रीज क्या होता है जेंटल वाइन जब अच्छी अच्छी हवा चलती है ना हमको बहुत अच्छी लगती है बहुत तेज नहीं चलती है एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं ब्रीज थर्ड स्टोन स्ट्रोंग विंड दैट ग्लोज वेरी फास्ट विद लाइटिंग रेन एंड थंडर स्ट्रोंग विंड जो बहुत तेजी से चलती है लाइटिंग के साथ बिजली कड़कती है बारिश होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं आवाज़ करती है ना बहुत तेज वो तो स्ट्रॉन्ग बोलते हैं उसको तूफान गैल गैल क्या होती है स्ट्रॉन्ग विंड जब तेज हवा चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं आंधी गैल का मतलब क्या होता है हिंदी में आंधी आई नो अब हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा क्या क्या लर्न किया हमने एयर इज प्रजेंट ऑल अराउंड अस हमने देखा ना कि एयर हमारे चारों तरफ होती है वी नीड टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर हमें फ्रेश एयर में ही ब्रीथिंग करनी चाहिए अगर पोल्यूशन वाली एयर में हम ब्रीथिंग करेंगे सांस लेंगे तो हमें ब्रीथिंग से रिलेटेड डिजीज हो जाती है सांस लेने जैसी बीमारियाँ हो जाती है ना अस्थमा वगैरह थर्ड एयर फिल्स स्पेस एंड हैज वेट एयर क्या करती है स्पेस घेरती है स्पेस फिल करती है वो और उसमें वेट भी होता है भार भी होता है उसका थर्ड फोर्थ मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड जो हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं विंड अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज जब हवा धीरे धीरे चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं ब्रीज स्ट्रोंग एंड फास्ट विंड्स आर कॉल्ड स्ट्रोंग जब बहुत तेज हवा चलती है ना फास्ट तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टोम्स सॉरी अ वेरी विंड इज कॉल्ड अ गेल जब बहुत तेज हवा चलती है तब तो उसको हम आंधी बोलते हैं देखो आंधी और तूफान में क्या हा? डिफरेंस होता है स्टोर में स्टोर मतलब जब तेज़ हवा तो चलती है बट उसके साथ बिजली भी कड़कती है ज़ोर से आवाज़ होती है बादल जैसे गरजते हैं ना बहुत तेज बिजली कड़कती है हमको दिखती भी है उसके साथ बारिश भी होती है और आंधी में क्या होता है जब बहुत तेज़ हवा चलती है तब उसको हम गैल कहेंगे आंधी विंड्स मेक मैनी थिंग्स मूव विंड क्या करती है बहुत सी चीज़ों को मूव करने में हेल्प करती है जैसे विंड मिल है और काइट वगैरह हम उड़ाते हैं तो इसमें विंड हेल्प करती है लेट अस प्रैक्टिस ए फिल इन द ब्लैंक्स अब आप देखो हमको इसमें फिल करना है फर्स्ट ब्लैंक फ्लाई नाइसली ऑन अ विंडी डे जब हवा चलती है अच्छी तो हम क्या उड़ाते हैं उस दिन काइट्स उड़ाते हैं ना काइट्स फ्लाई करती है उस दिन तो यहाँ पे फर्स्ट में आप क्या फिल करोगे काइट्स क्या फिल करना है काइट्स सेकेंड द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द विंड इज शोन बाय अ विंड वैन किसके द्वारा शो की जाती है डायरेक्शन विंड वैन के द्वारा शो की जाती है तो इसमें क्या फिल करना है आपको डायरेक्शन मतलब दिशा तो इसमें आपको डायरेक्शन की स्पेलिंग लिखनी है

इसमें क्या फील करना है ब्रीज नाउ क्वेश्चन नंबर बी मैच द फोलो फर्स्ट वन जेंटल विंड जेंटल विंड ऐसी विंड जो धीरे धीरे फ्लो करती है धीरे धीरे बहती है तो उसको हम क्या करेंगे क्या मैच करेंगे इसमें से जेंटल विंड को क्या बोलते हैं ब्रीज तो आप इसमें क्या मैच करोगे सी सेकेंड थंडर थंडर को किस से मैच करना है थंडर किस में होता है बहुत तेज आवाज़ होती है ना उसमें थंडर में स्टोर में होता है थंडर बहुत तेज गरजने की हमको आवाज़ आती है थंडर मतलब गरजना बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है ना तो इसमें आप क्या मैच करोगे ए स्टोर थर्ड मूविंग एयर मूविंग एयर को क्या बोलते हैं विंड तो आपको थर्ड में क्या मैच करना है डी विंड एंड फोर्थ वेरी स्ट्रोंग ए विंड बहुत जो स्ट्रोंग विंड होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं गेल बी जी ए एल ई गेल मतलब आंधी क्वेश्चन नंबर सी डिफाइन द फॉलोविंग्स अब देखो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है फर्स्ट वन आपको किस किसकी डेफिनेशन लिखनी है इसमें फर्स्ट ब्रिज सेकेंड विंड थर्ड स्टोर्न जी कैल तो आपको फर्स्ट में क्या लिखोगे ये आपको नोटबुक में करना है नोटबुक में नहीं आप बुक में भी लिख सकते हो इसको बुक में आ जाएगा आप छोटा छोटा लिखोगे ना तो बुक में आ जाएगा अगर आपके बुक में नहीं आता है तो नोटबुक में लिख सकते हो आप इसको फर्स्ट ब्रीज तो ब्रीज की आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ब्रीज क्या होती है विंड ब्लोज जेंटली जब हवा धीरे धीरे बहती है ना तब तो इसको हम क्या बोलते हैं ब्रीज वैन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड अ ब्रीज सेकेंड वाइंड विंड विंड क्या होती है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड जब हवा चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं विंड एयर चलती है ना एयर मूव करती है तो उसको हम हवा बोलते हैं तो इसमें क्या लिखना है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड थर्ड स्टोर्म इसमें क्या लिखोगे आप अ अस्ट्रोंग विंड दैट ब्लोस वेरी फास्ट विथ थंडर लाइटिंग एंड रेन इज कॉल्ड स्टोर्म नाउ फोर्थ गेल इसमें क्या लिखना है अ वेरी स्ट्रोंग विंड इज कॉल्ड गेल जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं आंधी Now kids, stay home, stay safe.